हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पटेल एकेडमी। मेरा नाम है संजय पटेल और आज का वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। ये एक क्यूब है जिसके हर आर्म पे एक एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू R है। R रेजिस्टेंस के ये रेजिस्टेंस लगे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि इस आर्म ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा, या ए और डी, इसको बोलते हैं फेस डायगनल, ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट बोलते हैं, और ये दोनों होते हैं बॉडी डायगनल ए से लेकर एच तक। तो इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा आर ए बी, ये हो सकता है सबसे नियरेस्ट पॉइंट, ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा। तो इसका होता है 7/12 आर। फिर हम निकालेंगे आर ए डी ए से लेकर डी तक, तो ये होता है फेस डायगनल, आपको फेस डायगनल पे पूछ सकता है। तो ए डी ये होता है 9/12 आर। और फिर आप बॉडी डायगनल जब ए से शुरू करेंगे और एच तक जाएंगे तो ये होगा आर ए एच इजिकल टू 10/12 आर। तो ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है, सॉल्व करके आप निकाल नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता है। तो अब ये याद कैसे रहे, आप ये याद तो कर लेंगे कि 7 है, फिर 9 है, 10 है, नीचे सब में 12 है, एक 8 बीच में गायब है, बाकी 7, 9, 10। लेकिन अब कैसे पता चले कौन किसका है, ये भी आपको ये भूल सकता है, ये आप मिक्स कर सकते हैं इसको कि ये इसका ये इसका। तो आप सिंपली इसको याद रखिए कि इसमें सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी, ये और बी, ये सबसे छोटी लेंथ होगी। फिर ये क्या है, ये एक फेस डायगनल है तो ये इससे बड़ा होगा। ए डी क्या हो जाएगा, ए बी से बड़ा हो जाएगा। और बॉडी डायगनल सबसे बड़ा होगा, बॉडी डायगनल सबसे बड़ा होगा। फिर ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट है और ये फेस डायगनल इससे बड़ा होगा, तो फेस डायगनल बीच में होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 7/12, तो 7/12 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी लेंथ ए बी, तो ए बी का सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस जो आएगा वो ए बी के लिए हो जाएगा। उससे बड़ी लेंथ कौन सी है, ये फेस डायगनल है, तो फेस डायगनल तो इससे बड़ा कौन सा है, 9/12, तो ये हो जाएगा फेस डायगनल का। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, ए एच बॉडी डायगनल जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 10/12। सो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।